स्टार प्लस का सबसे पॉपुलर और देश का सबसे चहेता शो गुम है किसी के प्यार में। शो में इस तरीके से होगी पाखी के कैरेक्टर का दी एंड। शो में आएगा ये तीन बड़ा ट्विस्ट। लीप के बाद फैंस का होगा ऐसा रिएक्शन। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए देख तमाशा टीवी का। स्टार प्लस का दूसरा सबसे बड़ा शो गुम है किसी के प्यार में एक बार फिर लाइमलाइट में आ गया है और लाइमलाइट में आने की कई सारे बड़ी वजह है। आयशा सिंह और हर्षद अरोरा की केमिस्ट्री, दूसरी तरफ विराट का घर जिस तरीके से अब बर्बादी के कगार पे है, पाखी का एग्जिट होना, शो में कई सारे ऐसे बड़े मोड़ आ चुके हैं जिसकी फैंस की माने और मेकर्स की माने तो आने वाले दिनों में गुम है किसी के प्यार में शो राजन शाही का शो अनुपमा को पछाड़ नंबर वन की गद्दी हासिल कर लेगा। जी हाँ, बिल्कुल आप सही सुन रहे हो, क्योंकि इस शो में जिस तरीके का तड़का मेकर्स ने लगाया है, फैंस कई लोग इस शो को ट्रोल कर रहे हैं तो कई लोग इस शो की जमकर तारीफ कर रहे हैं। शो में रिसेंटली जिस तरीके से मोड़ लाया गया है, पाखी की यानी पत्र लेखा के कैरेक्टर का दी एंड होने जा रहा है, जिसके बाद घमासान मच गया है। जब से फैंस ने ये बातें सुनी तो कुछ लोग इसको हजम कर पा रहे हैं, कुछ लोग इसको बिल्कुल भी हजम नहीं कर पा रहे हैं, और लोगों की माने तो ये मेकर्स का एक बड़ा डिसअपॉइंट है। लेकिन आपको बता दें, अब पाखी का कैरेक्टर निभाने वाली ऐश्वर्या शर्मा का शो से ऐसे होगा एग्जिट। दरअसल विराट और पाखी के बीच में एक बड़ी लड़ाई होने वाली है और इस लड़ाई की बड़ी वजह बनने वाली है शो में आने वाला लीप। पत्र लेखा के कैरेक्टर को हटाए जाने के बाद मेकर्स ने कुछ ऐसी बड़ी प्लानिंग कर लिया है कि अब आने वाले दिनों में फैंस भी शॉक हो जाएंगे। दरअसल आपको बता, शो में कुछ सालों का बड़ा लीप आ सकता है जिसके बाद सत्या और सई एक हो जाएंगे और विराट जो है वो अलग थलग पड़ जाएगा। ऐसे में अब इसके साथ साथ विराट को विराट के बच्चे ही नहीं, पाखी ने भी साथ छोड़ दिया है, जिसके बाद विराट हर तरफ से अलग पड़ गया है। दूसरा है ये बड़ा ट्विस्ट को लेकर फैंस अब तक हैं कंफ्यूज। दरअसल अब पाखी ही नहीं, विराट का साथ विनायक भी छोड़ने जा रहा है, जो कि विराट का खुद बेटा है। अब विनायक का इस तरीके से साथ छोड़ना विराट को हर तरफ से तोड़ कर रख देगा और मेकर्स की इस चाल को कुछ जगहों पे लोग ट्रोल भी कर रहे हैं। यह है वो तीसरी बड़ी वजह जिसके चलते पाखी की होने जा रही है शो से एग्जिट। लंबे समय से लोग पाखी के कैरेक्टर को ट्रोल करते थे, जिस तरीके से सई को परेशान किया करती थी पत्रलेखा, अब लोगों को ऐसा लग रहा है कि जी नहीं, पत्रलेखा के कैरेक्टर को रखना चाहिए, काफ़ी एंटरटेनिंग कैरेक्टर था। ऐश्वर्या शर्मा ने इन दिनों खतरों के खिलाड़ी सीजन 13 को ज्वाइन कर लिया है और ये अब कन्फर्म हो चुका है कि ऐश्वर्या शर्मा इस शो को छोड़ने के बाद रोहित शेट्टी के रियलिटी शो में नज़र आने वाली हैं। लेकिन आपको बता दें, पत्रलेखा की इस तरीके के एग्जिट से खास करके ऐश्वर्या शर्मा के फैंस इस शो को लेकर सोशल मीडिया पर बवाल मचा रहे हैं। तो कुछ लोगों की माने तो उनको सैराट की जोड़ी सबसे ज़्यादा पसंद आती है, विराट को वो आयशा सिंह के साथ देखना चाहते हैं, न कि सत्या को सई के साथ। फिलहाल आप बताना कमेंट बॉक्स में कि क्या वाकई पाखी के कैरेक्टर को इस तरीके से ख़त्म किया जाना बिल्कुल सही है, या आप मानते हो जी नहीं, पाखी भले ही नेगेटिव कैरेक्टर थी लेकिन वो एंटरटेन तो ज़रूर कर रही थी शो में। लिखिएगा ज़रूर अपना ओपिनियन कमेंट बॉक्स में, और इसी तरीके की वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब।